केदारनाथ धाम में यात्रा के दौरान कुछ नेपाली व्यक्ति मजदूरी या अन्य कार्यों की आड़ में तीर्थ यात्रियों के सामान की चोरी भी करने लगे हैं। पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग डॉक्टर विशाखा अशोक बदाड़े ने बताया कि श्री केदारनाथ धाम में लगे टेंटों को काटकर मोबाइल चोरी किए जाने की घटना को अंजाम दिया जा रहा है और ऐसे ही चोरी करने वाले चार नेपालियों को स्थानीय लोगों के सहयोग से रुद्रप्रयाग पुलिस ने पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों के पास से अलग अलग कंपनियों के 15 मोबाइल फोन बरामद हुए। पुलिस के स्तर से इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। रुद्रप्रयाग पुलिस साइबर सेल और चौकी केदारनाथ पुलिस ऐसे चोरी करने वाले गिरोह पर पैनी नजर रखे हुए हैं। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम में लगातार पुलिस की टीम जो है वो मौजूद है और जो चोरी की सूचनाएं आती है या धाम की मर्यादा भंग करने की सूचना आती है इस पर लगातार काम करती रहती है। इसी के अंतर्गत रुद्रप्रयाग पुलिस की जो साइबर की टीम है जो केदारनाथ धाम में लगातार सर्वेलेंस पे रहती है उस टीम द्वारा आज चार नेपाली मूल के जो व्यक्ति है उनकी उनको पकड़ा गया है जिनके पास से लगभग 15 मोबाइल फोन जो है वो बरामद किए गए हैं। इनसे पूछताछ करने पे इस बात का खुलासा हुआ है कि ये मोबाइल फोन इन्होंने विविध टेंटों से जो है वो चुराए थे और जो है इसको बेचने की फिराक में थे। इस पर हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए मोबाइल फोन को भी जब्त किया है और चारों पर जो है विधिक कार्रवाई जो है वो की जा रही है।